आइए आप सब यहीं बैठे। दमयंती देवी, आपका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, सिर्फ दो चार सवाल करने हैं आपसे। पहले ये बताइए कि आपकी और निशानाथ बाबू की शादी कब हुई? 10 साल पहले। जिस वक्त आपकी शादी हुई तब निशानाथ बाबू नौकरी पर थे, मतलब सेशन जज थे? नहीं, शादी बाद में हुई। गुलाब कॉलोनी में आने से पहले? जी। इसका मतलब जिस वक्त आपकी शादी हुई निशानाथ बाबू की उम्र 47 साल की थी? जी। माफ कीजिए, इस वक्त आपकी उम्र क्या है? 29। तो जब आपकी शादी हुई निशानाथ बाबू की उम्र 47 और आपकी 19 थी? जी। आपकी कोई संतान नहीं है? नहीं। तो विजय बाबू आपके साथ कब से? जी, 10 साल पहले मेरे माता पिता की मौत हो गई, तभी से मैं चाचा जी के साथ हूँ। दमयंती देवी, परसों रात को आप रसोई घर से अपने कमरे में कब गई? करीबन 10 बजे। निशानाथ बाबू तब कहाँ थे? सो गए थे। कमरे में अंधेरा था? जी। खिड़की खुली थी? शायद थी, कौन नहीं किया। फिर आपने क्या किया? मैं भी लेट गई। अच्छा, निशानाथ बाबू तब सो रहे थे, मतलब जिंदा थे? जी। दमयंती देवी, कुछ दिनों से यहाँ कोई मोटर कार के टुकड़े फेंक कर जा रहा है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? जो सब जानते हैं उतना ही मुझे मालूम है। आपके जीवन में कोई ऐसी बात है जो छुपी हुई है या जैसे छुपा कर रखा गया हो? नहीं। निशानाथ बाबू के जीवन में कोई गुप्त बात है? मुझे नहीं मालूम। फिलहाल मुझे और कुछ नहीं पूछना, आप बैठेंगे? मैं चली जाऊंगी। आपकी शादी प्रोफेसर नेपाल गुप्ता की लड़की मुकुल से तय हुई थी, लेकिन फिर आप मुकर गए, क्यों? ये मेरा निजी मामला है। परसों शाम को आप कलकत्ते से वापस आकर रात को फिर कलकत्ते चले गए, क्यों? मुझे काम था। क्या काम? ये भी मेरा निजी मामला है। विजय बाबू, आपके निजी मामलों को जानने की कोई उत्सुकता नहीं है। आपने यहाँ हमें निशानाथ बाबू की मौत के बारे में बुलाया है। अगर आप ही सारी बातें गुप्त रखेंगे तो हमारी यहाँ छानबीन करने से क्या फायदा? मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इन सवालों के साथ चाचा जी की मौत का कोई संबंध नहीं है। ये अगर आप हम पर छोड़े तो अच्छा नहीं होगा। ठीक है। परसों शाम कलकत्ते से आने के बाद मुझे एक चिट्ठी मिली, उसमें लिखा था कि आप चोरी छुपे बहुत कुछ कर रहे हैं, अगर मुसीबत से बचना चाहते हैं तो रात 10 बजे न्यू मार्केट के सामने की चाय की दुकान पर आ जाइए। चिट्ठी मिलते मैं कलकत्ते चला गया, लेकिन चाय की दुकान पे कोई नहीं आया। 11 बजे तक इंतज़ार करने के बाद मैं वापस आ गया। चिट्ठी आपके पास है? जी नहीं, फाड़ दी। अच्छा, उस रात आप कलकत्ते ही गए थे, इसका कोई सबूत है? कोई गवाही दे सकता है? नहीं, मैं चुपचाप ही गया था, मुझे नहीं लगता किसी ने मुझे आते आ जाते देखा। अभी अभी आपने कहा कि चिट्ठी में लिखा है कि आप चोरी छुपे बहुत कुछ करते हैं, इसका क्या मतलब? मुझे नहीं मालूम। चिट्ठी किसकी थी? क्या पता, बेनामी थी। फिर गए क्यों? किसने बेनामी चिट्ठी लिखी है उसे देखने के लिए। अच्छा, ठीक है, जाइए। अजीत, लक्ष्मी को भेज दो। लक्ष्मी कुछ बीमार है, अपने कमरे में लेटी है। ठीक है, प्रोफेसर नेपाल गुप्ता को भेज दो। चिट्ठी किसने भेजी? आपको शायद मालूम है कि पुलिस को शक है
निशनाथ बाबू की मृत्यु स्वाभाविक नहीं थी, इसीलिए छानबीन कर रहे हैं और उसी सिलसिले में यह सवाल है। जिस रात निशनाथ बाबू की मौत हुई उस रात 10 और 11 के बीच में आप कहां थे? शतरंज खेल रहा था। शतरंज खेल रहे थे? किसके साथ? मुकुल के साथ। अच्छा, जब आप शतरंज खेल रहे थे तो वहां कोई था या किसी ने आपको शतरंज खेलते हुए देखा? जी नहीं, निशाना तो उसी वक्त मारने वाला है ये पता नहीं था, वरना आपके लिए कोई ना कोई गवाह जरूर जुगाड़ लेता। उस रात आप निशनाथ बाबू के कमरे की तरफ नहीं गए? उधर क्यों जाने लगा, गर्मी से नींद नहीं आ रही थी इसलिए शतरंज खेलने बैठ गया। और आप? मैं पिताजी के साथ ही थी। निशनाथ बाबू के कमरे की तरफ कोई गया या नहीं ये आपको नहीं मालूम? जी नहीं। आप कुछ कहना चाहते हैं? तो आपको गूंगे बहरों की गवाही भी चाहिए? फिलहाल इतना ही काफी है। चलो मुकुल। जी। आइए डॉक्टर भुजंगधर, बस एक ही सवाल करना है आपसे। जिस रात निशानाथ बाबू की मौत हुई उस रात 10 और 11 के बीच में आप कहां थे? उस रात खाने पीने के बाद कमरे की बत्ती बुझाकर काफी देर तक मैंने सितार बजाया। उसका कोई गवाह है या नहीं बता नहीं सकता। चलिए लक्ष्मी देवी से मिल लेते हैं। लेटे रहिए आप, बैठिए मत। आप लोगों को कहां बिठाऊं कुछ समझ में नहीं आ रहा। परेशान मत होइए, आप लेट जाइए प्लीज। आपसे बस एक सवाल पूछना है, परसों रात 10 और 11 के बीच में आप कहां थी? उस रात मैं रसोई से खाना वाना खाकर बहुत रात तक कपड़े सिलाई कर रही थी। जब आप सिलाई कर रही थी आपने डॉक्टर भुजंगधर को अपने कमरे में सितार बजाते हुए सुना? उनका कमरा तो आपके बिल्कुल नजदीक ही है। नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना, कानों में सिलाई की मशीन की आवाज गूंज रही थी और कुछ कैसे सुनाई देगा। उस रात डॉक्टर भुजंगधर अपने कमरे में बैठे सितार बजा रहे थे ये उन्होंने खुद कहा। अब आप कहती हैं आपने उन्हें सितार बजाते हुए नहीं सुना, इसका मतलब है हमें यह समझ लेना चाहिए कि डॉक्टर भुजंगधर झूठ बोल रहे हैं। नहीं नहीं, वो सितार बजा रहे थे, मशीन चलाते चलाते मैंने बीच बीच में आवाज सुनी थी। फिर आपने क्यों कहा कि नहीं सुनी? कभी मुझसे वो जिस तरह से पेश आते हैं। क्या बात है, जरा खुलकर बताइए। रहने दीजिए, आपको कम से कम हमें तो बताना चाहिए। आप लोगों ने मेरी कहानी सुनी होगी, निशाना चाचा जी मेरी मदद नहीं करते तो पता नहीं मेरी क्या हालत होती। यहाँ पर डॉक्टर बाबू भी मुझ पर बहुत मेहरबान थे, बहुत मिलनसार हैं, इसलिए मुझे भी अच्छे लगते थे। बहुत अच्छा सितार बजाते हैं, बचपन से ही मेरी रुचि गाने बजाने की तरफ थी, इसलिए मैंने उनसे कहा आप मुझे सितार बजाना सिखा देंगे ना। लेकिन आप बताइए ना, डॉक्टर बाबू ने जो शर्त रखी उसे सुनकर उल्टे पांव वापस आ गई। जिंदगी में एक बार गलती की है इसलिए उन्होंने समझा। क्या ये बात किसी और को मालूम है? नहीं, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, ये क्या कहने की बात है, और कोई यकीन भी नहीं करता। जो लड़की पहले से ही बदनाम है, विजय बाबू आ रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं पता, उन्हें ना बताइए, वैसे ही वो गुस्सीले आदमी हैं। आप घबराइए मत। अच्छा, हम चलते हैं। नमस्ते। नमस्कार।
एक अजीब चिड़ियाघर है। कैसे? यहाँ डॉक्टर डॉक्टरी ना करके सितार बजाता है, प्रोफेसर आधी रात तक अपनी बेटी के साथ शतरंज खेलता रहता है। कॉलोनी का मालिक, जिस रात उसकी हत्या होती है, पास के कमरे में उसकी पत्नी सोई हुई है, उसे पता ही नहीं चलता। और मालिक का भतीजा हत्या के वक्त कलकत्ता चला जाता है। एक चिट्ठी पढ़ता है, पूछने पर कहता है चिट्ठी फाड़ दी, और खून के बाद कॉलोनी में एक रहने वाला गायब हो जाता है। अब ये चिड़ियाघर नहीं तो और क्या है? आज की पूछताछ से कुछ पता चला? यही पता चलता है कि सब झूठ बोल रहे हैं। सफेद झूठ नहीं, लेकिन झूठ और सच को मिलाकर एक अजीब भाषा बोल रहे हैं, जहाँ पे ये पता नहीं लगता कि क्या झूठ है और क्या सच है। लक्ष्मी ने मेरा हाथ पकड़ा, गौर किया? गौर क्यों नहीं करूँगा, ये भी गौर किया कि तुमने भी दोनों हाथों से उसका हाथ पकड़कर प्यार जताया। प्यार नहीं, हमदर्दी जता रहा था। खैर इंस्पेक्टर बराट, एक बिनती है। अरे कहिए ना, हम दोनों का काम तो एक ही है। आप कल से पहरा बिठवा दीजिए, किसी को कॉलोनी में पता नहीं लगना चाहिए। हमें ये मालूम करना है कि कॉलोनी छोड़कर कौन किस वक्त जाता है, कहाँ जाता है, कब जाता है। ठीक है, मैं कॉलोनी और स्टेशन दोनों जगहों पर खुफिया पुलिस तैनात कर देता हूँ। ठीक है, चलिए रात काफ़ी हो चुकी है, घर चलते हैं। हेलो, हाँ है, पर सो रहे हैं। कौन है आप? कौन? किसी विजय का फोन है, जरूरी काम है। नमस्कार विजय बाबू, क्या मर गया? कौन मर गया? शर्मिला की सास बहुत बीमार थी, कहीं वो तो नहीं? तुम्हारी शर्मिला को अभी और दुख झेलने हैं, उसकी सास को कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ था? हाँ मैं आ तो सकता हूँ, लेकिन अब आकर क्या होगा? आप इंस्पेक्टर बराट को टेलीफोन कीजिए, वो सब इंतजाम कर देंगे। और पोस्टमार्टम का होना जरूरी है, और उस दवाई की शीशी की भी जांच होनी चाहिए। इंस्पेक्टर बराट से कह देना मैं वहीं आकर रिपोर्ट देख लूंगा। ठीक है, कौन गया? पानू गोपाल। अभी अभी उसकी लाश अहाते में मिली, कान में दवाई दी थी, दवाई में जहर मिला हुआ था। सारे शरीर में जहर फैलते ही वो चिल्लाता हुआ कमरे से बाहर आया, और अहाते में गिरते ही उसकी मौत हो गई। गुलाब कॉलोनी में ही हो क्या रहा है? असल में गलती मेरी है, मुझे समझ जाना चाहिए था कि अगर पानू ने कुछ देखा है तो उसकी जान खतरे में हो सकती है। मुझे उसको यहीं अपने साथ ले आना था। प्रोफेसर गुप्ता, क्या बात है, आप पुलिस स्टेशन क्यों आए? चाक मारने, दिमाग खराब हो गया था जो पुलिस की मदद करने चला आया, गलती हो गई। पुलिस की मदद? बस बात हो गया, अब मैं चलता हूँ। अरे रुकिए तो सही, क्या बात है, कुछ बताएंगे नहीं? मैं पुलिस थोड़ी हूँ। कॉलोनी में दो दो खून हो गए, पुलिस चुपचाप बैठ सकती है, लेकिन मैं कैसे चुप रहूं? आखिर मेरी भी तो कुछ जिम्मेदारी है। मुझे मालूम है खून किसने किया है, और यही बताने मैं यहां आया था, लेकिन बलिहारी है पुलिस की, उल्टे मुझसे जिरह करने लगी जैसे खून मैंने ही किया है। अच्छा, आपको मालूम है खून किसने किया है? अरे इसमें इतना जानने न जानने की क्या बात है, पूरी कॉलोनी को मालूम है खून किसने किया है, लेकिन छाती ठोक कर कहने की हिम्मत किसी में नहीं है। अच्छा तो खून किसने किया है? विजय ने, विजय ने, और कौन खून करेगा? पहले चाची के साथ सांठगांठ करके चाचा को उड़ाया, फिर पानू को सफाया किया। पानू भी तो उन्हीं के साथ था ना? हाँ पानू, लेकिन आपको मालूम है पानू की मौत कैसे हुई? निकोटीन से मुझे सब खबर लगती रहती है। लेकिन विजय ने निकोटीन कहां से हासिल किया? निकोटीन तो बाजार में मिलता ही नहीं। ओफो, बाजार में सिगरेट तो मिलती है ना, जिसकी खोपड़ी में आकर है वो एक पैकेट सिगरेट से इतना निकोटीन निकाल सकता है कि पूरी की पूरी कॉलोनी साफ हो जाए। आया आपकी समझ में? आपका तो पुलिस के साथ बहुत उठना बैठना है, आप ही कुछ करिए, हम भी तो देखें कि आप ही कुछ हैं। नमस्कार इंस्पेक्टर बराट। नमस्कार, नमस्कार, आइए आइए।
अभी बाहर प्रोफेसर गुप्ता से मुलाकात हुई। अरे प्रोफेसर की मत पूछिए, पूरा पागल, तब से सर खा रखा था। विजय खूनी है, विजय खूनी। लेकिन गवाह और सबूत के नाम पर कुछ नहीं। असल में विजय ने उसे नोटिस दे रखा है कि चुपचाप शराफत से रहना है तो रहो, वरना रास्ता ना पाओ। अरे हाँ, ये रही पानू गोपाल के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। मौत निकोटीन के जहर से हुई, दवा की शीशी में भी निकोटीन मिली। पानू गोपाल की लाश को पहले किसने देखा था? प्रोफेसर की लड़की मुकुल। मुकुल? अजीब बात है, इस बार भी मुकुल। सुना है सुबह सुबह उठकर मुकुल रोज कॉलोनी का चक्कर लगाती है। अच्छा, पानू को कान की दवाई कौन देता था? वो डॉक्टर भुजंगदर? हाँ, वैसे दवाई सिर्फ ग्लिसरीन और बोरिक पाउडर थी। लगता है इसी शीशी में किसी ने निकोटीन का जहर मिला दिया था, जिसके कान में देते ही पानू के सारे शरीर में जहर फैल गया और 5 मिनट में मौत। जहर कौन दे सकता है? जिसने भी जहर दिया है, या तो वो केमिस्ट है, या फिर उसने किसी केमिस्ट से ये जहर तैयार करवाया। कॉलोनी में एक केमिस्ट तो है, प्रोफेसर नेपाल गुप्ता। सर, ब्रजदास गोस्वामी पकड़ा गया। अच्छा, कहाँ मिला? नवद्वीप के अखाड़े में खंजरी बजा रहा था, कोई झमेला नहीं किया। हमने कहा हमारे साथ चलो, चुपचाप चलाया। ब्रजदास को तो बुलाइए। उसे अंदर भेज दो। इधर आइए। बैठिए। आप ये कहिए, भाग क्यों गए थे? सुना है आप कभी झूठ नहीं बोलते, क्या सच बोलने के डर से ही भाग गए थे? ऐसी कौन सी सच बात है जो आप हमें बताना नहीं चाहते? अच्छा, रहने दीजिए, ये बताइए कि निशानाथ बाबू की मौत के बारे में आप कुछ जानते हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। किसी पर शक है? जी नहीं। अच्छा, जिस रात निशानाथ बाबू की मृत्यु हुई थी, उस रात आप कॉलोनी में ही थे? जी, कॉलोनी में ही था। तो रात के खाने के बाद आप कहाँ थे और क्या कर रहे थे? तो रात को डॉक्टर बाबू और मैं अपने अपने कमरे में चले गए। डॉक्टर बाबू कमरे में बैठे सितार बजा रहे थे और मैं बाहर बरामदे में बैठकर सितार सुन रहा था। अच्छा, तो कब तक बजाया उन्होंने? करीबन रात के 11:30 बजे तक। बड़ी अच्छी बजा रहे थे। जी, लगातार बजा रहे थे, मतलब एक बार रुके भी नहीं? लगातार बजा रहे थे, एक बार भी नहीं रुके। मतलब 5 मिनट के लिए भी नहीं? लय ठीक करने के लिए एक दो बार रुके थे, लेकिन वो केवल 5-10 सेकंड के लिए। आपने उन्हें सितार बजाते हुए देखा? देखता कैसे, वे अंदर ही में बैठे बजा रहे थे। अच्छा, आप तो निशानाथ बाबू को कॉलोनी में आने से पहले ही पहचानते हैं? जी। आप उनके यहाँ काम करते थे और उन्होंने ही आपको जेल की सजा दी थी? जी, गलती मेरी ही थी। विजय बाबू तब उनके साथ रहते थे? जी हाँ। अच्छा, तब निशानाथ बाबू और दिमित्री की शादी हो चुकी थी? क्या बात है, आप जवाब नहीं दे रहे? दमयंती को आप तभी सही पहचानते हैं ना? जी। मतलब निशानाथ बाबू और दमयंती की शादी पहले ही हो चुकी थी, ठीक है ना? क्यों, फिर क्यों चुप हो गए? इसीलिए मैं भाग गया था, मुझे मालूम था कि आप मुझसे यही सवाल पूछेंगे। दुहाई ओमकेश बाबू, मुझसे ये सवाल न कीजिए। मैंने 7 साल तक उनका अन्न खाया है, मुझसे ये नमक हरामी मत करवाइए। बात क्या है? मैंने अपनी जिंदगी में काफी झूठ बोला है, लेकिन अब और नहीं बोलूंगा। जेल से छूटने के बाद मैंने संन्यास ले लिया, गले में कंठी ले ली, लेकिन सिर्फ कंठी लेने से क्या होता है? मन में भक्ति कहाँ है, प्रेम कहाँ है? इसीलिए कसम खाइए कि अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा। शायद इसी से धर्म का पालन हो, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि निशानाथ बाबू के बारे में मुझसे कुछ न पूछे, वो मेरे माता पिता समान है। आपने तो ये तय किया है कि आप झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन निशानाथ बाबू के बारे में सच बोलने में भी आपको संकोच हो रहा है। झूठ नहीं बोलना ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सच को छुपाना कोई पुण्य काम थोड़ी है।
आप सोचकर देखिए, अगर हमें सच का पता नहीं चलेगा तो हम निशानाथ बाबू के खूनी के बारे में पता कैसे लगाएंगे? क्या आप नहीं चाहते कि निशानाथ बाबू के खूनी के बारे में हम पता लगाएं? ठीक है, आप क्या जानना चाहते हैं, पूछिए। निशानाथ बाबू और दमयंती की शादी में कुछ खपला है, असलियत क्या है बताइए। उनकी शादी कभी नहीं हुई। निशानाथ बाबू पूना में जब व्यस्त थे तो मैं उनके दफ्तर में क्लर्क था। लाल सिंह नाम का अपराधी एक दिन उनकी अदालत में पेश हुआ। दमयंती इसी लाल सिंह की पत्नी थी। जब अदालत में केस चल रहा था, दमयंती निशानाथ बाबू के बंगले पर अक्सर रोया धोया करती थी। कहती थी कि यदि उसके पति को सजा हो गई तो उसका क्या होगा, उसका कोई नहीं। दमयंती की उम्र उस वक्त 19-20 साल की थी और विजय बाबू 13-14 साल के। विजय बाबू को दमयंती पर तरस आ गया। उन्होंने अपने चाचा से उसकी काफ़ी सिफारिश की, यहाँ तक कि उसे छुपाकर बंगले में रखा था। उसके खाने पीने का इंतज़ाम भी कर दिया करते थे। लाल सिंह को फांसी होने के बाद निशानाथ बाबू को जब यह पता चला कि दमयंती उन्हीं के बंगले में है, उन्होंने विजय बाबू को काफ़ी डांटा फटकारा, लेकिन आखिरकार दमयंती को बंगले में ही रहने दिया। लाल सिंह को काले पानी की सज़ा हो गई और दमयंती बंगले में रह गई। उसके बाद मुझे भी जेल की सज़ा हुई। 2-3 साल में क्या परिवर्तन हुआ मुझे कुछ नहीं मालूम। जेल से छूटने के बाद पता चला कि निशानाथ बाबू नौकरी छोड़कर रिटायर हो गए हैं। तब तक मैं भी सन्यासी हो चुका था। काफ़ी ढूंढने के बाद गुलाब कॉलोनी का पता चला। वहाँ जाकर मैंने देखा कि निशानाथ बाबू और दमयंती पति पत्नी जैसे रह रहे हैं। निशानाथ बाबू ने मुझे कॉलोनी में तो रहने दिया, लेकिन आगाह किया कि दमयंती के बारे में किसी को कुछ न पता चले। दमयंती और विजय ने आपको कॉलोनी में नहीं पहचाना? इन दोनों ने मुझे पुणे में शायद एक आध बार देखा होगा, लेकिन इतने दिनों बाद गुलाब कॉलोनी में मुझे सन्यासी के रूप में देखकर इन्होंने बिल्कुल नहीं पहचाना, और मैंने भी इन्हें कोई बताने की ज़रूरत महसूस नहीं की। निशानाथ बाबू और दमयंती जैसे महापुरुष इस दुनिया में कमी है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से इन्हें कोई परेशानी हो। इंस्पेक्टर बराट, अंधेरा काफ़ी साफ होता जा रहा है, चलिए एक बार कॉलोनी घुमाते हैं। फिर मेरा क्या होगा? आप भी चलिए और जैसे थे वैसे ही रहिए। क्यों, आइए आइए ओमकेश बाबू, बैठिए बैठिए, आप भी बैठिए विजय बाबू। दमयंती देवी, उस दिन जब आपसे सवाल किए आपने सब कुछ साफ साफ नहीं बताया, क्या आज बताएंगी? क्या नहीं बताया? उस दिन आपने कहा कि 10 साल पहले आपकी शादी निशानाथ बाबू से हुई थी, लेकिन हमें पता चला है कि आपकी शादी निशानाथ बाबू से हुई ही नहीं, वो आपके पति नहीं। नहीं नहीं, वही मेरे पति है, वही मेरे पति है। ब्योमकेश बाबू, आपको भी बहुत से सवालों का जवाब देना होगा विजय बाबू, आपने भी काफी झूठ बोला है। फिलहाल हमें एक बात बताइए दमयंती देवी, जिस रात निशानाथ बाबू का खून हुआ था उस रात क्या क्या हुआ था? सच को छुपाने के कई जोखिम है दमयंती देवी, शायद इसी सच को छुपाने की वजह से पानू गोपाल मुफ्त में मारा गया। अब और झूठ का सहारा मत लीजिए, जो कुछ हुआ है साफ साफ कह दीजिए। मैंने कोई झूठ नहीं बोला है, उस रात के बारे में मैं जो कुछ भी जानती हूँ सब कह दिया है। पास वाले कमरे में रहकर भी आप कहती हैं कुछ नहीं पता चला, ये कैसे हो सकता है? या तो उस रात 10 और 11 के बीच में आप अपने कमरे में नहीं थी, या फिर आपकी आंखों के सामने निशानाथ बाबू की हत्या हुई है। चाची जी, छुपा कर रखने से क्या फायदा, मुझसे जो कहे वो इन्हें भी बता दीजिए, शायद। उस रात मैं अपने कमरे में नहीं थी। कहाँ गई थी? 7-8 महीने पहले मुझे एक डाक से चिट्ठी मिली, लाल सिंह की चिट्ठी। जेल से छूटने के बाद उसने मुझे यहाँ ढूंढ निकाला, उसने देखा मैं सुखी हूँ तो मुझे छेड़ा नहीं, लेकिन उसे रुपयों की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। चिट्ठी में लिखा था
कि रात 10 और 11 के बीच गेट के पास 500 रुपए रख दूं, किसी से कुछ न कहूं, और अगर कहा तो वो हम दोनों का खून कर देगा। वो फिर कभी चिट्ठी नहीं लिखेगा, लेकिन जब भी रुपयों की जरूरत पड़ेगी तब वो मोटर के किसी टुकड़े को कॉलोनी में फेंक देगा, और तब उस रात 10 और 11 के बीच 500 रुपए गेट के पास रख दिए जाएं। वो चिट्ठी कहाँ है? चिट्ठी में लिखा था कि पढ़कर चिट्ठी फाड़ दी जाए, मैंने फाड़ दी। फिर? मैं बहुत डर गई थी, मैंने चिट्ठी के बारे में किसी को नहीं बताया। कॉलोनी के रुपए पैसे का हिसाब मैं ही रखती थी, मैंने 500 रुपए गेट पर रख दिए। और इस तरह 7-8 महीनों से जब भी मोटर का टुकड़ा पाया जाता आप उस रात 10 और 11 के बीच में पैसे गेट के पास रख देती? जी। जिस रात निशरत बाबू की मौत हुई उस दिन तो मोटर का टुकड़ा कोई मिला नहीं वहां पर? उस दिन एक और चिट्ठी मिली, उसमें लिखा था कि वो हमेशा के लिए कलकत्ता छोड़कर पंजाब जा रहा है, इसीलिए आखिरी बार मुझसे मिलना चाहता है, रात 10 और 11 के बीच गेट के पास। अगर 11 तक वो नहीं आ सका तो फिर वो कभी नहीं आएगा। ये चिट्ठी भी आपने फाड़ दी? जी। उस रात 10 और 11 के बीच में आप कॉलोनी के गेट के पास थी? जी। लाल सिंह मिलने आया? नहीं, फिर मैं अपने कमरे में जाकर सो गई। विजय बाबू, दमयंती देवी आपके चाचा की ब्याही हुई पत्नी नहीं है, ये बात आपने किसी और को बताई है? जी 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 नहीं। यहां का काम खत्म हो गया, आप आज रात से ही पैरा बैठा दीजिए, कोई यहां से बाहर नहीं जाएगा। लेकिन 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 मत कीजिए, निशानत बाबू का खूनी इसी कॉलोनी में है, और दमयंती देवी आपको मालूम आना चाहिए कि लाल सिंह 2 साल पहले ही जेल में गुजर गया है। चलिए इंस्पेक्टर। एक बात तो साफ है, दमयंती देवी समझती है कि उसके पति लाल सिंह ने उसे चिट्ठी लिखी है। उसे ये नहीं मालूम कि इस कॉलोनी में लाल सिंह की आड़ लेकर कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा है। कौन हो सकता है वो? जो भी हो वो दमयंती देवी की पूरी कहानी जानता है, ये भी जानता है कि लाल सिंह उसका पति है और निशानाथ बाबू से उसकी शादी नहीं हुई है। ये बात तो सिर्फ ब्रजदास और विजय को मालूम है। एक काम करते हैं, आज रात ही पहरा बैठा लेते हैं। तुम एक काम करो, विजय के कमरे के आसपास रहना, नजर रखना, ध्यान रखना, देखना वो कहाँ जाता है और उसके उसके पास कौन आता है। इंस्पेक्टर बराट, आप दमयंती देवी पर नजर रखिए, मैं प्रोफेसर गुप्ता पर नजर रखता हूँ। चलिए पहले कुछ खा पी लेते हैं। अंदर कौन गया? अंधेरे में कुछ पता नहीं चला, लेकिन कोई औरत है। मैंने और इंस्पेक्टर बराट ने अभी मुकुर और लक्ष्मी को अपने कमरे से निकलते हुए देखा है। हाँ। मान लो लक्ष्मी विजय के कमरे में गई, फिर मुकुर कहाँ गए? माफ कीजिए विजय बाबू, आपको इस वक्त तकलीफ दी,
बत्ती जलाने की कोई जरूरत नहीं, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि अभी अभी यहां कौन आई थी। देखिए निशानाथ बाबू की हत्या की गुत्थी हम करीबन सुलझा चुके हैं, अगर आप नहीं बताएंगे तो पुलिस आपको उनके कत्ल के शक में हिरासत में ले लेगी। बेहतर यही होगा कि आप साफ साफ हमें बता दें कौन आई थी। लक्ष्मी? लक्ष्मी ही थी ना? नहीं, लक्ष्मी नहीं थी। नहीं, मुकुल आई थी। मुकुल? क्यों? कहने आई थी कि उन्हें कॉलोनी छोड़कर जाने का हुक्म वापस ले लें। इतनी रात गए? इंस्पेक्टर आप यहीं रहिए, मैं अभी आया। चलो जीत। अरे अरे लेकिन कहाँ जा रहे हो? पता लगाने कि लक्ष्मी कहाँ गई थी, डॉक्टर भुजंगदर के यहाँ कि दमयंती देवी के यहाँ, तीसरी जगह तो हो ही नहीं सकती। क्या बात है? मुझे लगा कोई खिड़की से अंदर झांक रहा है। मैं तो कब से कह रही हूँ चलो अब हम यहाँ से चले जाते हैं, काफी रुपया तो इकट्ठा हो गया है। इंस्पेक्टर बराड़, आज रात ही गुलाब कॉलोनी के सारे रहस्यों का पता लग जाना चाहिए। आप फौरन जाइए, पुलिस की एक टुकड़ी लेकर आइए, कोई भागने न पाए। हम सबको जगाकर एक मीटिंग करेंगे, फिर देखेंगे क्या होता है। हम दोनों यही हैं। अच्छी बात है। आपको जानकर खुशी होगी कि निशानाथ बाबू और पानू गोपाल के हत्यारे का पता चल गया है। सिर्फ पता ही नहीं चला, हमें सारे सबूत भी मिल चुके हैं। हत्यारा इसी कमरे में है, कानून कभी उसे माफ नहीं करेगा, मौत की सजा से वो बच नहीं सकता। इसीलिए मैं एक बार फिर उसे मौका देता हूं कि अगर उसमें जरा भी इंसानियत बची है तो वो अपना जुर्म कबूल कर ले। मैं ही बताता हूं। प्रोफेसर गुप्ता, आपको निशानाथ बाबू के बारे में एक गुप्त बात मालूम है। इस गुप्त रहस्य का पता आपको कैसे चला? किसने बताया आपको? बताइए चुप क्यों है? कौन सा गुप्त रहस्य? ज्यादा बनिए मत, यह गुप्त बात आपको आपकी लड़की मुकुल ने बताई थी। क्यों मुकुल? और यही बात मुकुल को विजय ने बताई, ठीक है ना विजय बाबू? जी बताई तो थी, लेकिन और किसी को बताई थी? क्या डाली विजय बाबू, आज की रात कोई भी बात छुपी नहीं रहेगी। वो गुप्त बात आपने लक्ष्मी देवी को बताई, और लक्ष्मी देवी से वो बात डॉक्टर भुजंगदर को मालूम हुई, और डॉक्टर भुजंगदर ने ब्लैकमेल शुरू कर दिया। ये क्या पहली सुना रहे हैं आप? अभी पता लग जाएगा। माफ करने दमयंती देवी, सच को तो सामने आना ही है। वो गुप्त बात यह है कि दमयंती देवी निशानाथ बाबू की विवाहिता पत्नी नहीं है। क्यों ब्रजदास जी, ठीक कहा ना? जहां एक तरफ दमयंती देवी विवाहिता पत्नी नहीं है, वहां दूसरी तरफ लक्ष्मी देवी डॉक्टर भुजंगदर की विवाहिता पत्नी है। डॉक्टर भुजंगदर दास, यह भी क्या आपको पहेली लग रही है? चलो मान लेते हैं कि लक्ष्मी मेरी पत्नी है, इससे क्या साबित होता है? निशानाथ बाबू का खून मैंने किया है, पानू को जहर मैंने दिया है,
इससे यह साबित होता है कि आप और लक्ष्मी देवी दोनों पहुंचे हुए कलाकार हैं और आप दोनों में अपराध करने की इच्छा इतनी प्रबल है कि इसकी तरफ खींचे चले आते हैं। गुलाब कॉलोनी में आने से पहले दोनों ने कितने अपराध किए हैं फिलहाल तो मुझे कुछ मालूम नहीं, लेकिन यहां पे आकर डॉक्टर भुजंगधर को एहसास हुआ कि ये जगह भी हड़प ली जा सकती है और वे इस जगह के मालिक बन सकते हैं, इसलिए किसी छल से उन्होंने लक्ष्मी को भी यहां बुला लिया। लक्ष्मी भुजंगधर की साथी थी, उसने विजय को अपने जाल में फंसा लिया था और विजय बाबू भी लक्ष्मी के चंगुल में आ गए थे। उन्होंने उससे शादी करने की ठान ली थी। निशानाथ बाबू इस शादी के खिलाफ थे, लेकिन विजय की आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ था। विजय ने लक्ष्मी को निशानाथ बाबू और दमयंती देवी की असलियत बता दी। बस फिर क्या, खेल शुरू हो गया। डॉक्टर भुजंगधर ने दमयंती देवी के पति लाल सिंह की तरफ से उन्हें एक फर्जी चिट्ठी भेजी। उन्होंने कहा, मैं जिंदा हूं और इस राज को छुपा रखने के लिए कुछ रुपए चाहिए। जब कॉलोनी में मोटर का टुकड़ा पाया जाएगा, उसी रात को दमयंती देवी 500 रुपए लेकर कॉलोनी के गेट के पास आ जाएंगी। बस दमयंती देवी का शोषण शुरू हो गया। वो डर गई थी, लेकिन उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। निशानाथ बाबू को असलियत का पता नहीं था, इसलिए मोटर के टुकड़ों के रहस्य के बारे में वो मेरे पास आए। तभी डॉक्टर भुजंगधर ने ठान ली कि वो निशानाथ बाबू का खून करेंगे। उस रात उन्होंने विजय बाबू को एक फर्जी चिट्ठी भेजी और उन्हें 10 और 11 के बीच में रात को कलकत्ते भिजवा दिया। एक दूसरी फर्जी चिट्ठी उन्होंने दमयंती देवी को भेजी और उन्हें कॉलोनी के गेट के पास लाल सिंह से मिलने के लिए 10 और 11 के बीच बुलवा लिया और वो खुद अपने कमरे में बैठे सितार बजा रहे थे। ऐन मौके पर उन्होंने सितार लक्ष्मी देवी को दे दी। ये तो आज रात मालूम पड़ा कि लक्ष्मी देवी भी सितार बजाने में माहिर है। इधर लक्ष्मी देवी अपने कमरे में बैठी सितार बजा रही थी, उधर डॉक्टर भुजंगधर निशानाथ बाबू के कमरे में गए। पहले खिड़की बंद की, फिर उनके गले की नली पर वार करके उन्हें बेहोश कर दिया। फिर उन्हें मोजे पहनाए और ऊपर छत की कड़ी से उल्टा लटका दिया। निशानाथ बाबू ब्लड प्रेशर के मरीज थे, सारा खून सर पर जमा होकर अंदर की नली फट गई, ब्रेन हैमरेज से वो गुजर गए। फिर उन्हें नीचे उतारकर खाट पर लेटा दिया और आराम से दोनों पैरों की रस्सी खोल दी। उसके बाद देखा कि वो गुजर गए हैं या नहीं और फिर वहां से चला गया। लेकिन डॉक्टर भुजंगधर दो गलतियां कर बैठे, खिड़की नहीं खोली और मोजे उतारना भूल गए। शायद खिड़की बंद करते समय या कमरे में आते समय पानु गोपाल ने भुजंगधर को देख लिया था, इसीलिए उसके कान की दवाई में निकोटीन का जहर मिला दिया ताकि वो भी हमेशा के लिए रास्ते से हट जाए। क्यों डॉक्टर भुजंगधर दास, ठीक कहा ना मैंने? चलो लक्ष्मी, चलते हैं। पोटेशियम साइनाइड, डॉक्टर भुजंगधर ने जहर अपने मुंह से लक्ष्मी देवी को दे दिया है। लगता है अब विजय और मुकुल का मिलन हो जाएगा।